हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेशन, जो बैंकिंग के अंदर 5 मार्क का वेटेज रखता है। 5 मार्क का वेटेज रखता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन एक दो अलग चीज़ है, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन मतलब हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती, तो हम लोग उसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताते हैं। सिंप्लीफिकेशन में हमें एग्जैक्ट वैल्यू की गरज पड़ती है, ठीक है। जैसे अभी पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, 447.75 डिवाइड बाई 28 इंटू 4.99, तो इसको हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू ले सकते हैं। 4.49 को हम एग्जैक्ट वैल्यू ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 447.75 को हम एग्जैक्ट वैल्यू ले सकते हैं, 448 ले सकते हैं, ठीक है। इतना पता होना चाहिए, मतलब हम लोग को सपोज कोई क्वेश्चन है जैसे अभी 25.60 है, तो इसको हम एग्जैक्ट वैल्यू ले सकते हैं 26। तो 25.60 है, इसको हम एग्जैक्ट वैल्यू ले सकते 26। अगर 25.40 रहेगा तो इसका हम एग्जैक्ट वैल्यू ले लेंगे 25। अगर अमाउंट 50 से ज़्यादा आ रही है पॉइंट के बाद, अगर अमाउंट 50 से ज़्यादा आ रही है, तो उसको हम लोग ये डिजिट का आगे वाला नंबर जो रहेगा वो हमें वो लेना है, ठीक है। यहाँ अगर 40 है 50 से नीचे, तो हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू यही लेनी है, ठीक है। इतना बेसिक पता होना चाहिए। जैसे अभी 25.60 है, तो मैंने इसका एग्जैक्ट वैल्यू ले लिया 26। 25.40 इसका मैंने एग्जैक्ट वैल्यू ले लिया 25। इतना पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को बेसिक से बेसिक क्वेश्चन देखेंगे। अप्रोक्सीमेशन भी वी बोर्ड मास के हिसाब से सॉल्व होता है। अप्रोक्सीमेशन भी वी बोर्ड मास के हिसाब से सॉल्व होता है, ठीक है। वी बोर्ड मास का फॉर्मूला पता होगा आप लोग को, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। वी बोर्ड मास, ठीक है, वी बोर्ड मास से हम लोग अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है। एकदम ईजी वे में क्वेश्चन समझाऊंगा, बेसिक टू बेसिक समझाऊंगा, ताकि आप लोग को समझ में आए, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बच्चों, 447.75 है, तो मैं इसका एग्जैक्ट वैल्यू ले सकता हूँ 448, ठीक है, 448 ले सकता हूँ। उसके बाद क्या है, डिवाइड बाय कितना है बच्चों, 28 है, एंड फिर क्या है, मल्टीप्लाई है 4.99, ठीक है। तो इसका मैं एग्जैक्ट वैल्यू ले सकता हूँ 5, इसकी मैं एग्जैक्ट वैल्यू ले सकता हूँ 5, और हमें फाइंड करना है, ठीक है। वी बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, डिवीजन सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले देख लो, डिवीजन करके देख लो बच्चों, 448 डिवाइड बाई 28 मल्टीप्लाई बाई 5। 28 से अगर 44 कट, पहले 28 को अगर हम लोग 448 से डिवाइड करेंगे, तो पहले 21 ones are 28, फिर कट करोगे तो 6 168। अभी 28 कट पहले 168 आता है क्या बच्चों, 28 6 ज़ा 168 आता है, 28 6 ज़ा 168 आता है, ठीक है। 28 6 ज़ा 168, ठीक है। तो हमारा क्या मिल गया, 168 आ गया। अभी 16 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80 आता है, 16 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आता है। देखो, इसके दो मेथड है सॉल्व करने के। एक तो अगर सब लोग, आप लोगों को पता नहीं, 16 का टेबल अगर आपको आता नहीं होगा, तो हम लोग इसे दो वे में सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं 16 को, एक 10 में और एक 6 में। फिर 10 5 ज़ा 50 ये आ गया, और फिर 6 5 ज़ा 30, तो 50 + 30 = 80। वैसे भी आंसर मिल रहा है और ऐसे भी आंसर मिल रहा है, पर मेरा मानना ये है कि अगर आप लोग टेबल लर्न हो गए ना, तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर आप टेबल्स और क्यूब रूट और स्क्वायर रूट लर्न हो गए ना, तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसका आंसर क्या है बच्चों, 80 आया, ठीक है। एकदम ईजी क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आप लोग IPS क्लर्क, SBI क्लर्क, IPS PO, SBI PO के अंदर एटलीस्ट 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते कैसे सॉल्व करते। पहले का आंसर क्या है बच्चों, 80 आया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 167, देखो इसमें भी क्या दिया, अप्रॉक्स में हमें वैल्यू निकालनी है। देखो 1679.9 दिया है, अगर यहाँ 0.5 से कम होता तो हम लोग को 1679 लेते थे, पर यहाँ 0.5 से ज़्यादा है, तो हम लोग को 1679 का आगे वाली वैल्यू क्या है, 1680। क्या लोगे बच्चों, 1680, ठीक है, इतना समझा। उसके बाद क्या है, डिवाइड बाय 14.95, 14.95 को हम एग्जैक्ट वैल्यू में ले सकते हैं 15, हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू में ले सकते हैं 15। उसके बाद क्या है, इंटू 5.02, देखो 0.05 से अगर यहाँ अगर 50 से ज़्यादा रहता तो हम लोग को 5 की जगह 6 देना पड़ता, पर यहाँ 50 से कम है, तो हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू क्या लेंगे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 5 लो एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, इंटू 5, ठीक है। अभी वी बोर्ड मास से सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे बच्चों, पहले डिवाइड सॉल्व करोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे ना। देखो अभी 15 को अगर 168 से डिवाइड कर सकते हो तो करो, और मैं एक तरह से ये भी बता सकता हूँ, 5 को अगर 3 से, देखो 5 3 ज़ा 15 3 5 ज़ा 15 3 6 ज़ा 18 560,
ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो, 15 की टेबल अगर 15 से भी डिवाइड कर दे तो 15 से 15 18 कैरी होता, वापस 1 कैरी होता, फिर वापस 15, तो 112 आता। 112 को अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है, 560 आता है। एक तरह से वो भी सॉल्व कर सकते हो। दो तीन ट्रिक्स से बच्चों अगर आप लोग डिवाइड कैसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप लोग इजी वे में सॉल्व करना चाहते हो तो 5 को 15 से कट करो, यहाँ 3 आ जाएगा, 3 को अगर 168 से डिवाइड करोगे तो 56 आता है, और 0 एज इट इज हमने नीचे कैरी कर लिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, 560, ठीक है। इसका आंसर क्या निकला, 560, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अभी। तीसरा क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज बेस पे 45.96% ऑफ 900 प्लस 6.39% ऑफ 40.36, ठीक है। अभी देखो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना हमें, अप्रॉक्सीमेट आंसर मतलब हमें अप्रॉक्सीमेशन में हम लोग को मतलब ऐसा परफेक्ट अमाउंट नहीं निकालने की जाएगा। सपोज अगर आंसर आ रहा होगा 4 और ऑप्शन के अंदर 5 रहा, 8 रहा, 10 रहा, 12 रहा, तो हम लोग को पता चलना चाहिए कि 4 किसके आसपास की वैल्यू है, 8 के आसपास है कि 5 के आसपास है। ऑब्वियसली बात है 5 के आसपास ज़्यादा है, ज़्यादा करीब 5 के आसपास है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन में ना जो ऑप्शंस भी रहते हैं काफ़ी दूर दूर रहते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि एग्जैक्ट आंसर निकालना काफ़ी मुश्किल है, तो उसके आसपास की वैल्यू दे देते हैं ऑप्शन के अंदर, ठीक है। तो 45.96% ऑफ 900 प्लस 6.39% ऑफ 40.36, यहाँ का 0.50 से ज़्यादा अमाउंट रहती तो हम लोग यहाँ पर 41 लेते थे, पर 0.50 से कम अमाउंट इसलिए हम लोग ने एज इट इज 40 लिया, ठीक है। अभी देखो 45.96 से हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू क्या लिया, 46 परसेंटेज की वैल्यू है ऑफ है 900, तो हम लोग 46 इंटू 900 डिवाइड बाय कितना 100, फिर प्लस दिया है, फिर 6.39% ऑफ 40.36, 6.39% ऑफ 40.36। देखो यहाँ 0.50 से ज़्यादा अमाउंट रहती तो हम लोग इसका आगे वाले वैल्यू लेते हैं, पर 0.50 से कम अमाउंट है इसलिए हम लोग ने यहाँ पर क्या लिया, 6 एज इट इज 6 लिया, ठीक है। समझाइए 6 इंटू ऑफ है इसलिए 40.36, इसलिए हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू क्या ले लेंगे, 40 ले लेंगे, इतना समझा। डिवाइड बाय कितना 100, यहाँ 2 जीरो कट हो गए, यहाँ 1 जीरो कट हो गया, 6 4 24 डिवाइड बाय 10 प्लस 46 इंटू 9 कैसे करोगे। अगर आप लोगों को मल्टीप्लाई में तकलीफ होती होगी तो 40 को 46 को दो पार्ट में डिवाइड कर लो, एक 40 में करो दूसरा 6 में करो, अभी कर सकते हो ना, 40 इंटू 9 360 आएगा, और 6 9 से 54, दोनों को ऐड कर दो, 414 मिल गया। अभी यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, 2.4, क्योंकि 24 अगर हम लोग 10 से डिवाइड करोगे तो 2.4 आता है, ठीक है। दोनों का ऐड कर दो तो 416.4, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 416.4, इसका आंसर आया बच्चों 416.4, ठीक है। हमेशा देखना है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो। देखिए अगर आप लोग को सॉरी मल्टीप्लाई में तकलीफ हो रही हो ना, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो, 46 को दो पार्ट में डिवाइड किया तो मैंने किस में किया, 40 एंड 6 में, फिर 40 को अगर 9 से मल्टीप्लाई किया तो 360 आता है, 6 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 54 आता है, दोनों का एडिशन किया तो 414 आता है, फिर 414 को मैंने 2.4 से प्लस किया तो 416.4 आता है, ठीक है। इतना आप लोग को आना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया, 416.64, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ 12.95 दिया है इंटू 7.05 दिया है और 85 का स्क्वायर दिया है और 10.99 दिया है, तो यहाँ का 0.50 से ज़्यादा अमाउंट है तो इस 10 के आगे वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें, यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, 11 आ जाएगी। 85.01 है तो एग्जैक्ट हमें क्या निकालना है, किसका स्क्वायर निकालना है, 85 का निकालना है। अगर 0.50 से ज़्यादा अमाउंट रहती है तो हम लोग को 86 का स्क्वायर निकालना पड़ता है, 0.50 से कम अमाउंट है इसलिए 85 का स्क्वायर क्या होता है। देखो मैंने पहले भी लेक्चर में आपको पढ़ा चुका हूँ कि 85 का सॉरी जिसका आखिरी डिजिट 5 आ रहा हो ना, उसका स्क्वायर रूट निकालना काफ़ी इजी है। 5 का स्क्वायर 25 और 8 का आगे वाला नंबर क्या है 9, तो 8 9 से 72, 7225 इज द स्क्वायर ऑफ 85, ठीक है। उसके बाद क्या है, 12.95 है, 12.95 को अगर हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे तो 0.50 से ज़्यादा अमाउंट दिख रही है 0.95 का, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी, 39, 13 इंटू 7 करोगे प्लस 85 का स्क्वायर इंटू 11, ठीक है। करो बच्चों 13 इंटू 7 प्लस 85 का स्क्वायर क्या है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ 7225, ठीक है, इंटू 11 इज इक्वल टू एक्स, जो हमें फाइंड करना है, ठीक है। वी बोर्ड मास के साथ सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, वी बोर्ड मास के साथ सबसे पहले हमें सॉल्व करना है मल्टीप्लीकेशन। अभी देखो 13 इंटू 7 करोगे तो 91 आता है, 13 इंटू 7 करोगे तो 91 आता है, प्लस की वैल्यू एज इट इज नीचे आ जाएगी। अभी देखो पहले स्क्वायर रूट निकाला, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर आप लोगों को मल्टीप्लाई करने में तकलीफ हो रही हो
तो 11 को दो पार्ट में डिवाइड कर लो, 10 और 1 में, ठीक है ऐसा भी कर सकते हो। तो 10 से अगर हम 7225 को मल्टीप्लाई करोगे तो 7225 आता है, ठीक है, और जीरो आ जाएगा। फिर 7225 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7225 एज इट इज आता है, ठीक है, 7225। अभी दोनों का एडिशन कर दो, दोनों का क्या करो, एडिशन कर दो। अभी देखो 91 प्लस 79475, अगर 91 को अगर हम 79475 में प्लस करोगे तो करो 5 प्लस 1 6, 7 प्लस 9 16, 1 कैरी हो गया, 4 का आ गया 5, 79566, इसका आंसर क्या आ गया, 79566, इसका आंसर आ गया बच्चों 79566। कैसे सॉल्व किया मैंने, मैंने वी बोर्ड मार से सबसे पहले मैंने देखा कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन दो जगह दिया गया, तो सबसे पहले वी बोर्ड मार से सबसे पहले मैंने सॉल्व किया मल्टीप्लिकेशन। तो 13 को अगर मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 13 का टेबल तो बेसिक है, सबको लर्न होगा, तो 91 आया प्लस 7225 इंटू 11। यहाँ पर अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में तकलीफ हो रही हो तो इसको 11 को दो पार्ट में डिवाइड किया मैंने 10 और 1 में। अगर 7225 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7225 जीरो आता है, 7225 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 7225 आता है, दोनों का एडिशन करूंगा तो 79475 आता है, 79475। फिर 79475 को अगर मैं प्लस 91 में प्लस करूंगा तो 79566 आता है, ठीक है, आंसर क्या मिला, 79566। समझ में आया बच्चों मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, एकदम इजी वे में समझा रहा हूँ ताकि आप लोग को एग्जाम के अंदर कोई भी डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े, ठीक है, एकदम बेसिक से बेसिक पढ़ा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, 899.99 डिवाइड बाई 45 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 224.448। अगर पॉइंट 500 से कम अमाउंट रहती है यहाँ पर, सॉरी पॉइंट 500 से कम ही अमाउंट है तो हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू क्या ले लेंगे, 224 ही ले लेंगे। अगर पॉइंट 500 से ज्यादा अमाउंट है तो 225 लेना पड़ता है। पर अगर अगर देखिए क्वेश्चन के अंदर, देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, अगर सपोज अमाउंट है अभी 22488, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों मैं बता रहा हूँ ध्यान दो, अगर ये 500 से कम रहेगी हमें एग्जैक्ट यही आंसर यही अमाउंट लेनी है, अगर ये 500 से ज्यादा रहती तो हम लोग क्या ले लेते, 225 ले लेते। ये अगर 500 से कम है तो हमें एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो यही लेनी है, अगर ये 0.500 से ज्यादा है तो हमें इसकी आगे एक डिजिट बढ़ाना पड़ेगा तो 225 आएगा, ठीक है, इतना पता होना चाहिए, नहीं तो आप लोग क्या करोगे, मिस्टेक करके आ जाओगे, फिर बोलोगे कि हमने तो सही किया था, एग्जामिनर रॉन्ग कर दिया हमारा, ठीक है। तो 899, तो 899.9 का देखो एग्जैक्ट अमाउंट क्या आ जाएगी, 900 आ जाएगी, 900 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय कितना है, 45 इज इक्वल टू क्या है क्वेश्चन मार्क माइनस 224, ठीक है। अभी देखो 45 को अगर हम 900 से डिवाइड करोगे तो 45 टू जो 90 20 कैरी हो गया, मतलब 20 आ गया इज इक्वल टू एक्स माइनस 224। अभी देखो माइनस की साइन अगर इधर रहती तो ऑपोजिट साइन क्या आती थी, प्लस आती थी, मतलब हमें 224 को 20 में ऐड करना पड़ता, पर माइनस साइन इस साइड है तो एक्स इज इक्वल टू 224 माइनस 20, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 204, ठीक है। माइनस की साइन अगर इधर रहती तो हम लोग को इसकी ऑपोजिट साइन लेनी पड़ती, पर माइनस साइन इस साइड है इसलिए हम लोग को क्या क्या लिया हमने, एज इट इज माइनस साइन कैरी किया नीचे और 224 को 20 से माइनस किया तो 204 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 204 इज द करेक्ट आंसर। सो मैंने क्या किया, वी बोर्ड मार्क्स के हिसाब से सबसे पहले मैंने डिवाइड किया, 45 को 900 से डिवाइड किया 20 आया, 20 को मैंने 224 से माइनस किया तो 204 आया, ठीक है, 204 आया। अगला क्वेश्चन क्या है, 12.002 इंटू 15.005, देखो 002 है मतलब एग्जैक्ट हमारा जो अमाउंट लेगा 12 लेगी या 15 ले लेगी, ये 8.9, देखो यहाँ अगर 500 से कम रहता तो हम लोग को एज इट इज 8 लेते, पर यहाँ 500 से ज़्यादा है तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, 9 ले लेंगे, 8 का आगे वाली वैल्यू क्या है, 9 इज इक्वल टू 6.99, तो ये हम लोग इसकी भी आगे वाली वैल्यू लेंगे क्योंकि 500 से ज़्यादा है, तो लिख लो वहाँ पर कैसा करते देखते, 12 इंटू 15 माइनस 9 इंटू 7। अगला अगर आपको प्रॉपर अरेंज करते आ गया ना अप्रोक्सीमेशन तो आप लोग सॉल्व कर लोगे, बस इतना है कि कम से कम टाइमिंग में हमें ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने, कम से कम टाइमिंग में हमें ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है। अगर सपोज
15 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोग को 15 का टेबल तो आना चाहिए, मेरा मानना ऐसा है। पर आपको जबकि 15 का टेबल भी आता ना, वो तो फिर काफ़ी बुरे हालात है आपके। तो अगर आपको 15 का टेबल नहीं आ रहा हो तो अगर सपोज तो 15 इंटू 10 करो, 15 इंटू 2 करो तो 15 इंटू 10 करो तो 150 आता है, 15 इंटू 2 करो तो 30 आता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, 180 आ जाएगा। बता रहा हूँ अगर आपको टेबल लर्न हो तो ऐसे शॉर्ट ट्रिक से भी आंसर निकाल सकते हो। ऐसे बच्चों ऐसा 15 इंटू 12 मत करते बैठो, ठीक है। 15 इंटू 12 ऐसे करते बैठोगे ना तो टाइम भी चले जाएगा और सिलेक्शन तो इस जनरल में पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। 180 माइनस तो 9 7 7 9 63 7 9 63। 180 में से अगर 63 माइनस करोगे तो 10 में से 3 गया 7, 7 में से 6 गया 1, तो 117 इज द करेक्ट आंसर। 117 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 117 इज द करेक्ट आंसर। मैंने क्या किया, 12 इंटू 15 किया माइनस 9 इंटू 7 किया। वर्ड मार्क्स के हिसाब से सबसे पहले हमें मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं, उसके बाद माइनस करते हैं, ठीक है। तो 12 इंटू 15 अगर आप लोग को जम नहीं रहा हो, अगर नहीं आ रहा हो, लॉन्ग मेथड मत करिए, मैं आपको बता रहा हूँ। 12 को दो पार्ट में डिवाइड किया मैंने, तो 10 और 2 में किया तो 15 इंटू 10 किया, 15 2 किया, 15 इंटू 10 किया तो 150 आया, 15 इंटू 2 किया 30 आया, दोनों को ऐड किया 180 आया, ठीक है। ये तो हो गया 9 का टेबल, तो बच्चों को पता। अगर ये भी पता नहीं हो तो फिर तो आप लोग बैंकिंग छोड़ ही दो। 7 9 63 63 में से अगर 180 में से 63 माइनस करो तो 117 आता है, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया, 117। समझ समझ में आया कैसे किया मैंने क्वेश्चन सॉल्व, एकदम इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने, एकदम बेसिक से बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किया है। आप लोग कोई भी एडवांस पैटर्न पढ़ाया नहीं, बस एकदम इजी टू इजी वे में आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया मैंने, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है, अगले लेक्चर में आप लोग को इससे भी हाई लेवल क्वेश्चन कराऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू।